नमस्कार दोस्तों, आल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे काफी सारे भाई लोग का एक कमेंट आता रहता है कि भाई पबजी मोबाइल लाइट बीटा के अंदर नया अपडेट आ चुका है जॉम्बी मोड, तो उसका भाई गेम प्ले बनाओ। तो तुम्हारा भाई सबसे पहले गेम प्ले ले आया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम प्ले है, लास्ट तक देखना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा फन करने वाले हैं। क्या क्या नई चीजें हैं सारी चीजें बताने वाला हूं। तो सबसे पहली जो चीज है वो है भाई ये गाड़ी, देख सकते हो लॉबी में ही आपको ये गाड़ी दिख रही होगी। ये गाड़ी एक नई ऐड हो चुकी है, हो सकता है जैसे ही वो वाला अपडेट आए प्ले स्टोर वाला तब आपको ये गाड़ी उसमें भी देखने को मिल जाए दोस्तों, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट चीज है जो इसके अंदर ऐड की गई है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब आपको गेम प्ले दिखाते हैं। गेम प्ले बहुत ज्यादा फनी और इंजॉयमेंट वाला होने वाला है। तो फाइनली हम लोग इसके अंदर स्टेडियम के अंदर उतर चुके हैं, ठीक है। और स्टेडियम के अंदर उतरने के बाद यहाँ पे भैया एक रियल प्लेयर आ गया था बीटा के अंदर, यार मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वो देखो नीचे आपने देख लिया होगा, नीचे वो भाग रहा था, वो रियल प्लेयर था, ठीक है। उसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया फटाक से, बिल्कुल भाई। बाकी ये जितने भी टीममेट है सब रैंडम प्लेयर है भाई, मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सोचा सबसे पहले इसी को मैं ख़त्म कर दूँ जो रियल प्लेयर है, क्योंकि अगर ये बच गया तो भाई ये मौका देख के हम लोगों को ख़त्म कर देगा, क्योंकि भाई ये मतलब हम लोगों को देख चुका है उतरते हुए, तो ये सिंपल सी बात है कि धीरे धीरे सबको मारने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या ही उसकी किस्मत थी कि वो अकेले आया था, हम चारों लोग एक ही जगह पे उतरे थे दोस्तों, ठीक है। अब ऐसे में सिचुएशन ये थी कि हमको उसको ढूंढना था। देखो भाई, अब बुलेट का फायर आया था उसके और फुटप्रिंट भी आ रहे थे उसके पैरों के, तो इसका मतलब ये था कि वो बंदा तो यहीं कहीं पे था, अगल बगल ही। अब खोजने की बात थी कि वो कहाँ पर था। मेरे एक नंबर को उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था, जैसा कि आप देख सकते हो वो घायल हो चुका था, और घायल क्या वो सीधा नौकी हो चुका था, उसने सीधा नौकी कर दिया था उसको, ये देखो। और उसने एक बंदे की पेटी भी बना दी थी यहाँ पे, एक और आया था बंदा, दो बंदे थे, एक और रैंडम था, तो उसको इसने पेटी बना डाली, ठीक है। और मेरे टीममेट को नॉक कर दिया, एक टीममेट को उसने पूरा पूरा खा लिया, एक टीममेट को नॉक कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बचा था और एक बंदा और बचा था, तो मैंने देखा यहाँ पे वो बंदा दिख नहीं रहा, तो मैंने मौके का फायदा उठाते हुए सीधा इसको रिवाइव किया। और रिवाइव करने के बाद मैंने ये टारगेट कर लिया था कि जॉम्बी को तो मैं बाद में मारूंगा, पहले इसी बंदे को मार देता हूँ, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मैं जॉम्बी को मारने में लग जाऊँ और ये बंदा हम लोग को मार दे। ये रहा बंदा, ये लूटने में लगा हुआ था, ठीक है। तो इसको मैंने सीधा पहली फुर्सत में लपेट दिया, इसके पास कुछ खास लूट नहीं थी, ये लूटने ही आ रहा था, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये रहे जॉम्बी। तो जॉम्बी को अब देखो फुटबॉल की तरह तुम्हारा भाई गिरा गिरा के मारेगा इनको, क्योंकि भाई सारे के सारे जो रियल प्लेयर थे वो निपट चुके हैं। एक ये रियल प्लेयर है, एक आपको आगे मिलेगा, बस दो ही रियल प्लेयर मिलेंगे, बाकी सब बॉट मिलने वाले हैं क्योंकि बीटा है, ठीक है। बाकी हाँ, जॉम्बी यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं, और लास्ट बीच में भाई फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है। इन जॉम्बी का बाप भी मिलेगा इसके अंदर, तो उनसे भी फाइट होगी भैया, और वो भाई देखना फाइट कितनी गजब की होने वाली है और कैसी होने वाली है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं भाई फटाफट से क्या ही बात है। यहाँ पे हम लोग फटाफट से आ चुके थे स्टेडियम के अंदर, और यहाँ पे भैया मुझे कुछ खास वाली लूट नहीं मिली थी। अब लूट ना मिलने के कारण भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट था कि भाई मैं जॉम्बी को मारूँ तो मारूँ कैसे, इसलिए मुझे भागना पड़ रहा था, मतलब मारना कम भागना ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मेरे पास बुलेट बहुत कम सी, देख सकते हैं कि 25 लोड हैं और 17 मेरी मतलब पीछे रखी हुई है, 30 दूसरी गन पे, मतलब बहुत कम बुलेट थी, ठीक है। अब यहाँ पे एमओ मिला, वो भी 2 एमओ, 30 से 31 हो गया, ठीक है। तो ये देख सकते हो एक ये बोट था, मैंने बोट को मारा, मैंने सोचा इन बोट को मार मार के जो एमओ ये फेंकते हैं ना थोड़ा थोड़ा 90 30 100, तो इनको मार मार के एमओ लूटते हैं, तो मैंने वही सीधा स्टार्ट कर दिया, मतलब बोट ये क्या बोलते हैं जॉम्बी मार रहा था, जॉम्बी मार मार के लूट कर रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई अब अंधेरा हो चुका है, जैसे ही अंधेरा होता है जॉम्बी आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब भाई अंधेरा हो चुका था, अब जॉम्बी बहुत तेजी से आएंगे, ठीक है। तो अब मैं आगे भाग रहा था क्योंकि मेरे पास लूट नहीं थी यार, और सबसे बड़ी समस्या थी 9 का एमओ तो था लेकिन यार गन नहीं थी, ठीक है। तो ये देख सकते हो भाई जॉम्बी ही जॉम्बी 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 ऐसे भाई, ओ भाई ओ भाई, ये क्या बात है भाई, ये टकला अपना खुलवाने आ रहे थे, कद्दू इनका फोड़ फोड़ के हम सारी लूट इनके कर रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं भाई। तो एक से एक भाई मोटे मोटे जॉम्बी यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट राउंड में भाई तुमको जॉम्बी थोड़ा कम मिलेंगे, लेकिन सेकंड राउंड जब आएगा ना भाई तब और ज़्यादा, जैसे जैसे राउंड बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे जॉम्बी और भी ज़्यादा हाई फाई आना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा आने लगेंगे और अंधेरा जो है वो और ज़्यादा घना होने लगेगा दोस्तों, ठीक है। इस गेम में यही एक सबसे विशेष चीज़ है, और कभी भी जॉम्बी को जब मारना मेरे भाई तो एक चीज़ याद रखना,
कि जॉम्बी को मारते हुए आपको हरदम पीछे को हटना है, अपना जो ड्रेस्टिक है ना उसको पीछे को फुल पे रखो, क्योंकि भाई जितना तुम पीछे को हटोगे उतना ही जॉम्बी आगे को आता है, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि फुल जॉयस्टिक पीछे को रखना, आगे को जैसे रख के हम लोग भागते हैं ना वैसे पीछे को रखना ऐसे, और मारते जाओ पीछे को हटते जाओ, मारते जाओ पीछे को हटते जाओ, वो खुद ही आते रहेंगे तुम्हारे पास। अगर खड़े होकर गोली चलाओगे तो वो तुम्हें मार देंगे। क्यों मार देंगे? क्योंकि भाई वो देखो सिंपल सी बात है, उनके पास हथियार तो है नहीं, वो इतने ज़्यादा की तादाद में आते हैं और मुँह से पता नहीं क्या हरा हरा निकालते हैं, और वो जैसे तुम्हारे ऊपर गिरेगा भाई हेल्थ की पूरी लंका लग जाएगी। देख सकते हो मेरी हेल्थ की लंका लगा दी इन लोगों ने, तो मैंने सोचा फटाफट से इधर से निकलते हैं, भागते हुए मैंने हेल्थ लगाई और हेल्थ लगा के मैंने फुल रिकवर किया, और रिकवर करके यहाँ से मैंने सोचा कि मेरे पास एमो तो है नहीं, और एमो ना होने के कारण मैं थोड़ा आगे आ गया, और यहाँ पे भैया मुझे SMG मिल गई, यानी कि ये छोटी वाली गन मिल गई, ठीक है, 9 की एमओ वाली ऊँची। अब ऊँची मिल गई थी, यहाँ पे दो बोट लड़ रहे थे, मैंने कहा इनको भी मुक्त कर देते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो इनको मैंने फटाफट से मुक्त कर दिया इनके काम से। और मुक्त करने के बाद घर के अंदर गया तो यहाँ पे भैया मेडिकेट मिल चुकी थी मुझे। अब मेडिकेट मिलने के बाद इतना तो भरोसा हो गया था कि गेम प्ले पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई जॉम्बी मोड में सबसे मेन जो चीज आती है वो यही आती है कि जिसके पास जितना ज्यादा एमओ है, जितनी अच्छी गन है, वही लास्ट तक टिकेगा, क्योंकि भाई यहाँ एनिमी से ज्यादा जॉम्बी खतरनाक होते हैं। एनिमी को तो आप फिर भी मार लोगे, लेकिन भाई जॉम्बी इतना ज्यादा आते हैं, जब 2-3 मतलब नाइट गुजर जाती है इसके अंदर, 2 नाइट गुजर गई ना, तो भाई इतना ज्यादा जॉम्बी आएंगे आप मार नहीं पाओगे, एमओ कम पड़ जाएगा, चाहे तुम 700-800 एमओ लेके बैठो तब भी वो लास्ट तक कम ही पड़ जाएगा, ये होता है, ठीक है। ये गेम प्ले जो दिखा रहा हूँ दोस्तों ये बीटा का है, तो यहाँ पे भैया जो लंगड़ा लूला आदमी दौड़ रहा था जिसको नॉक किया था, तो इसको मैंने मार के यहाँ से M4 ले ली और इस घर के अंदर आया। यहाँ पे एक बोट था, मैंने इसके पेट पेट में मारा क्योंकि इसके पास Level 3 का हेलमेट था, मैंने कहा हेड में मार दूंगा तो हेलमेट टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भाई थोड़ा बहुत लूट हो चुकी थी, एक जॉम्बी महाराज आ गए थे तो इनको भी मैंने कहा तुम भी जाओ मुक्त हो जाओ। तो इसके बाद मैंने यहाँ से ग्रेनाइट उठा लिया, ग्रेनाइट उठा के मैं यहाँ पे ऊपर आऊँगा, और यहाँ पे एक छोटा सा फंडा बताने वाला हूँ आपको जिससे आप जॉम्बी से बच सकते हो अगर आपके पास एमओ नहीं है, तो इस तरह के जितने भी घर हैं सब में काम करेगा, ठीक है। ये वाला देख रहे हो, इसके ऊपर आ जाना, यहाँ पे आना, इस तरह से खड़े होना, सीधा बिल्कुल सिर रखना और जंप लगा देना, ऊपर चढ़ जाना यहाँ पे, ठीक है। इसको ट्रिक को तो काफी सारे लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पे आके बैठ जाना है, ठीक है। बैठ जाएंगे तो ऊपर जॉम्बी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जॉम्बी आ नहीं पाएंगे, जॉम्बी आएंगे लेकिन बहुत कम, मतलब एक आध आ पाएंगे, तो इतने तो आप मार ही लोगे, ठीक है, तो बहुत कम कम आएंगे। अगर आप नीचे रहोगे तो बहुत ज्यादा जॉम्बी आएंगे, उनको आप संभाल नहीं पाओगे, और यहाँ पे है तो कुछ ही जॉम्बी आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ जॉम्बी ऐसे होते हैं जो जंप करते रहते हैं, ठीक है। अभी देखना एक जॉम्बी ऐसा आएगा जो नीचे से सीधा छलांग मारेगा और ऊपर आ जाएगा, देखना अभी आपको समझ में आएगा, वो सीधा ऊपर से नीचे आएगा, मतलब यहाँ से नीचे से सीधा, छत से नहीं सीधा नीचे से ऊपर आ जाएगा, इतनी ज्यादा हाई जंप मारेगा। तो नीचे जितने भी जॉम्बी थे यहाँ से बैठे बैठे मैंने आराम से सबको लुढ़का दिया, क्योंकि भाई 9 कैमो तो अपने पास खूब सारा था, 200-300 था, मैंने कहा आराम से इनको मार सकते हैं, जब खत्म होगा तो ये जितने सारे मर रहे हैं ना, जैसे ही मॉर्निंग होगी तो उसके बाद इनको हम सबको लूट लेंगे। तो भाई अब सुबह होने लगी थी, जैसे सुबह होती है ये जॉम्बी जो है कम हो जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो देख सकते हो जॉम्बी अब धीरे धीरे कम हो रहे थे, लेकिन यार ये रियल प्लेयर आ गया था पता नहीं कैसे, ये देखो रियल प्लेयर की पहचान होती है, वो लगातार गोलियां चलाता है और मतलब थोड़ा हट हट के मतलब गोलियां चलाता है। तो भाई मैंने सोचा सबसे पहले इसी को मारता है, ये देखो कहाँ से जंप लगाया इसने, ये जॉम्बी देखो भाई 5G में अपडेट है भाई, ये तो तगड़ा वाला जॉम्बी था यार, मतलब कुछ भी बोलो, मगर भाई ये एमओ लेके आया था, उसको पता था मेरा एमओ खत्म होने वाला है, एमओ लेके आया था, तो इसको मैंने मारा लूटा। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, तो भाई ये देखो ये पता नहीं यार क्या है, मगरमच्छ के कीड़े जैसा है ये, भाई बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा डैमेज देता है भाई, इसका डैमेज बहुत खतरनाक रहता है। अब बचा था ये भाई डैमेज तो बहुत देता है, लेकिन इसको अपने पास ना आने दो तो ये डैमेज नहीं देने देगा, ठीक है। और ये थोड़ा सुस्त होता है, इसके आप अगल बगल रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इससे बचने का सबसे एक आसान तरीका है, इसके अगल बगल घूमो, इससे दूर मत भागो, इसके अगल बगल घूमो, ये मतलब इसकी पीठ की तरफ तुम अपना मतलब बैठे खड़े रहो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे जितनी देर इसको परेशान करते रहो ये कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ इससे दूरी बना के रखो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो एक हाथ मारेगा तो आपकी हेल्थ आधी हो जाएगी, ये कई बार में मतलब हेल्थ बहुत जल्दी बिगाड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नीचे जितने बंदे मारे थे, मतलब जितने मारे थे ये, उनसे काफ़ी सारी मुझे लूट मिल गई थी। अब इतना तो पता चल गया था कि भाई लूट अच्छी खासी हो गई है। अब ये देखो भाई सब जॉम्बी का बाप, ये देखो सामने, अब ये पड़ा था भाई, मैंने सोचा इतना एमओ है, इतने एमओ में ये शायद मर जाएगा, तो मैंने ट्राई किया,
और इसको मारने की कोशिश की, और मुझे लग नहीं रहा था मेरे टीममेट इसमें मेरा साथ देंगे, लेकिन मैं अकेले ही घुस गया जाके। मैंने सोचा अब इसको मारेंगे तो हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पे दो दो हैं, ठीक है, एक नहीं है, दो दो हैं, एक ये पहाड़ पे है, ये देखो ऊपर, ठीक है, वहां पे बैठा है जहाँ पे ड्रम जैसे पड़े होते हैं ना, डब्बे जैसे जो भी समझ लो। ये देखो साला रावण जैसा है, बहुत खतरनाक है भाई, चार जितनी साले को गोली मारो, ठीक है। ये देखो ट्रायंट, पता नहीं क्या लिखा है इस पे। तो ये देख सकते हो भाई, इसको इतना गोली मारा, इतना गोली, इसकी हेल्थ बहुत धीरे डाउन होती है भाई, इतना धीरे डाउन होती है कुछ कहने को नहीं। और जरा सा गोली मारना बंद कर दो ना तो भाई ऐसा लगता है इसे हेल्थ इसकी फिर से उतनी हो गई। देखो इतनी तेजी जल्दी जल्दी गोली मार रहा था, जरा सा बच जाता था तो भाई हेल्थ इसकी फिर बढ़ जाती थी। भाई ये पता नहीं क्या है यार, ईंटे जैसा जमीन से निकालता है और निकाल के मारता है तो भाई इतनी बुरी तरीके की हेल्थ जाती है कुछ कहने को नहीं। इसका बस एक ही उपाय है, इसके अगल बगल घूमते रहो, इससे दूर मत भागो, इसके अगल बगल घूमते रहो। अगल बगल घूमोगे तो पत्थर नहीं मार पाएगा तुम्हारे, क्योंकि काफ़ी देर में इसका पत्थर तुम्हारे तक आएगा, तब तक तुम अपनी जगह बदल दोगे तो इतना परफेक्ट नहीं शॉट बैठेगा। लेकिन एक बार मैं इसके चपेटे में आ गया तो मेरी हेल्थ इसने डाउन कर दी, ठीक है, हेल्थ डाउन कर दी। मेरा टीममेट फिर भी इसको मार रहा था लगातार, तो मैंने उतने बीच में अपनी हेल्थ रिकवर कर ली। और ये देखो क्या बेवकूफ़त हो गई, यहाँ पे मेरी गन हाथ में आ गई, पिस्टल पता नहीं कैसे, अब पिस्टल रिलोड हो गई, मुझे लगा M4 रिलोड हुई है लेकिन पिस्टल रिलोड हो गई। उतने बीच में मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरे टीममेट ने उन दोनों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि भाई उनके पास ऑलरेडी मैंने उसकी हेल्थ इतनी डाउन कर दी थी, तो मेरे टीममेट ने उसको ख़त्म करके लूट भी डाला जब तक मैं गया वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से लूट चुका है, कुछ नहीं है इसके पास, लेकिन भाई तगड़ा वाला मतलब लूट इसके पास अच्छी रहती है, मतलब एक तरह से ये समझ लो जितनी आपकी ड्रॉप में लूट आती है ना उससे बेस्ट ही इसके पास लूट रहती है, ठीक है, कुछ भी निकल सकता है इसकी पेटी में। एक ये रहता है, तो मैं इसको मार रहा था थोड़ा बहुत, मैंने सोचा ये भी आ जाए इधर, तो इसको भी मार के हम लोग लूट लें। लेकिन यार इसकी क्या ही किस्मत थी, इसकी गोली पड़ तो रही थी लेकिन इसके कुछ असर ही नहीं हो रहा था, ये आ ही नहीं रहा था, उतने में जोन आ गया तो हम लोग यहाँ से निकल गए, ठीक है। अब बचा था केवल और केवल एक एनिमी, ठीक है, मैंने सोचा इस एनिमी को ख़त्म करते हैं और गेम को ख़त्म करते हैं, क्योंकि गेम काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। लेकिन जब रियल में उसमें आएगा प्ले स्टोर में तो भाई गेम और ज़्यादा टाइम तक चलेगा, यहाँ पे मतलब बीटा था तो इसमें ज़्यादा कुछ खास प्लेयर नहीं आया, सब बहुत ही ज़्यादातर थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको प्लेयर को हम लोगों ने ख़त्म करके फाइनली 6 किल कर लिए और काफ़ी सारे जॉम्बी किल कर दिए, ठीक है। तो यार ये जॉम्बी का गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट करके बताना, उम्मीद करूँगा जॉम्बी गेम प्ले आपको जरूर पसंद आएगा। क्या आप लोग